यस, कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्लासवेयर्स के बारे में बताना हूँ दोस्तों कि फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में कौन कौन से ग्लासवेयर यूज़ होते हैं, उनका नाम क्या होता है दोस्तों। एंड लास्ट में आपको मैं उसके इमेजेस दिखाने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो सब दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और मैं आपको अच्छे से एकदम समझाता हूँ दोस्तों। तो इसमें फर्स्ट वन आता है दोस्तों हमारा कॉकटेल ग्लास। कॉकटेल ग्लास बेसिकली क्या होता है, वो कॉकटेल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं यहाँ, दीज आर स्टेम ग्लासेस। ये एक स्टेम ग्लासेस मतलब एक लंबी सी कांडी के जैसा होता है, जो आपको पता है वाइन ग्लासेस रहता है, जैसे रेड वाइन रहता है वैसे में स्टेम ग्लासेस रहता है। क्योंकि ड्रिंक टू बी सर्व इन द ग्लास हैज़ टू बी सर्व, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हैज़ टू बी सर्व चिल्ड। ड्रिंक ना एकदम चिल्ड सर्व किया जाता है दोस्तों, जिससे ना आपके हाथों की एकदम ठंडक ना लगे। तो हैंस द स्टीम्स स्टेम अवॉइड द हैंड्स फ्रॉम हीटिंग द ग्लास क्विकली। इसके वजह से ना दोस्तों जो स्टेम्स रहते हैं ना, वो ग्लास को हीटिंग होने से अवॉइड करता है। तो इसके वजह से कॉकटेल ग्लास इसका नाम आता है दोस्तों। इसका रेंज क्या रहता है, 7 to 70 cl रहता है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा पॉनी टम्बलर ग्लास दोस्तों। पॉनी टम्बलर जूस ग्लास या फिर 4 oz ग्लासेस, ये क्या है होते, दिस इज स्मॉल ग्लास यूज समटाइम फॉर द सर्विस ऑफ स्मॉल जूसेस दोस्तों। ये स्मॉल ग्लासेस रहते हैं जो कि स्मॉल जूसेस सर्विस के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसमें अब थर्ड वन आ गया दोस्तों हमारा हाईबॉल ग्लास। तो हाईबॉल ग्लास ध्यान में रखेगा, ये कॉमनली यूज ग्लासेस है जो बार में ना बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। और इसमें कैसे लॉन्ग एंड स्टैंड साइडेड रहते हैं दोस्तों, ये एकदम लंबा ग्लासेस रहता है, स्टैंड साइड रहता है, जिसमें वाटर के लिए भी हाईबॉल ग्लास बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है। दे कैन रेंज फ्रॉम 14 to 30 cl, बट 24 cl इज मोस्ट कॉमनली यूज। इसमें 24 cl ना दोस्तों बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, जैसे ना सॉफ्ट ड्रिंक के लिए भी हाईबॉल ग्लासेस यूज किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट आता है फोर्थ वन दोस्तों हमारा टॉम कॉलिंस। टॉम कॉलिंस क्या रहता है दोस्तों, दे आर टॉल एंड थिन। ये एक लंबे ग्लासेस रहते हैं और थिन ग्लासेस रहते हैं। इनका कैपेसिटी दोस्तों ना 12 oz से 36 cl रहता है, 12 oz रहेगा या फिर 36 cl रहता है। ऑन्स बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों, एक मेजर रहता है, जो पैमाना रहता है दोस्तों, जो कि ग्लासेस को ड्रिंक को मापने का पैमाना रहते हैं। अभी फिफ्थ वन आ गया ओल्ड फैशन ग्लास। ओल्ड फैशन ग्लास स्पिरिट के लिए, जो कि दे आर यूज टू सर्व स्पिरिट रॉक्स, जो कि सर्व ऑन क्यूब आइस पे सर्व किए जाते हैं ना, वो इसके लिए ओल्ड फैशन ग्लास यूज़ किया जाता है। इनका भी रेंज यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों 14 to 25 cl रहता है, और कॉमनली 17 cl के ओल्ड फैशन ग्लास यूज़ किए जाते हैं। सिक्स वन आ गया दोस्तों लिक्वर ग्लास। लिक्वर ग्लास क्या रहता है, दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ डिज़ाइन शेप हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 2 to 3 cl। ये ना बहुत सारे वेराइटी ऑफ डिज़ाइन और शेप में अवेलेबल रहते हैं दोस्तों, इनका कैपेसिटी 2 से 3 cl का रहता है। अभी सेवन्थ वाला आ गया दोस्तों डेल मोनिको ग्लास। डेल मोनिको क्या रहते हैं दोस्तों, दे आर स्ट्रेट साइडेड एंड हैव अ कैपेसिटी ऑफ 11 to 20 cl के कैपेसिटी के साथ रहते हैं, स्ट्रेट साइडेड रहते हैं दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी आ गया पिल्सनर ग्लास दोस्तों। तो पिल्सनर ग्लास क्या होते हैं, जो स्पेशली बियर के लिए यूज़ किया जाता है। दिस आर ग्लासेस विच यूज टू सर्व पिल्सनर, जो बियर रहता है ना दोस्तों उसके लिए, टाइप ऑफ बियर होता है पिल्सनर बियर, उसके लिए पिल्सनर ग्लास यूज़ किया जाता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली इसका साइज ना 34 cl का रहते हैं। नाइन्थ वन आ गया दोस्तों बियर टैंकर्ड। बियर टैंकर्ड क्या रहता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज सर्विस ऑफ ड्रॉट बियर होते हैं। इसका कैपेसिटी भी 34 cl का रहते हैं। टेंथ आ गया शेरी ग्लास दोस्तों। शेरी ग्लास कैसे है, दिस इज़ अ ग्लास टू सर्व शेरी, मतलब फोर्टिफाइड वाइन रहता है ना दोस्तों, अभी मैं वाइन के बारे में आपको बताऊंगा आगे चल के, तो उसमें आपको समझ में आएगा। हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ, इसका 7 cl का कैपेसिटी रहता है। इलेवेंथ आ गया दोस्तों वर्म माउथ ग्लासेस। तो वर्म माउथ ग्लासेस क्या होते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, दीज ग्लासेस आर यूज ऑफ सर्विस ऑफ वर्म माउथ और एनी अदर एपेटाइफ है दोस्तों। जो ग्लासेस कौन से रहते हैं ना दोस्तों, जो वर्म माउथ हो गए या फिर जो अदर एपेटाइट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। दिस ग्लासेस कैन वेरी इन साइज, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, डिफरेंट साइज में रहते हैं, बस यूजली इसका कैपेसिटी 14 cl का रहता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अभी आ गया ब्रांडी बलून। ब्रांडी बलून से आप सबको पता है दोस्तों कि वो ग्लासेस सेम शेप का रहता है, ऑलवेज हैव द सेम शेप शॉर्टन स्टेम सो दैट द हैंड कैन हीट द ग्लास अलाउ टू ब्रांडी कॉग्नेक्ट टू हीट अप एंड रिलीज इट्स एरोमा। तो इसका शेप ना दोस्तों सेम शेप और साइज का रहता है, इसका स्टेम छोटा रहता है क्योंकि जो हैंड रहता है ना उसको पकड़ सके एकदम आराम से, और जो ब्रांडी और कॉग्नेक का एरोमा रहता है ना वो आपको समझ में आ सके, तो इसके वजह से रिलीज करते हैं ना, तो इसके वजह से ब्रांडी बलून यूज़ किया जाता है।
31 आ गया शैंपेन शोशर या फिर शैंपेन टूलिप। शैंपेन टूलिप आप सबको पता है द ग्लास विच इज़ यूज फॉर सर्विस ऑफ शैंपेन, शैंपेन के लिए यूज़ किया जाने वाले ग्लास को शैंपेन टूलिप या शैंपेन शोशर बोलते हैं। 14th आ गया पंच कप। पंच कप क्या है दोस्तों, इट इज़ यूज मोस्टली एट द कॉकटेल पार्टीज। ये कॉकटेल पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सर्व पंच विद ऑफ्टन नॉट हैंड्स टू हैंडल लाइक कप। तो एक सेकेंड, हाँ ये मोस्टली कॉकटेल पार्टी के लिए यूज़ किया जाता है। इसको सर्व पंच जो कि मोस्टली हॉट रहता है, जो कि हॉट रहता है और हैंडल लाइक कप रहता है जिसमें हम पकड़ सकते हैं आराम से। तो अब पंच कप आप समझ सकते हैं दोस्तों, कॉकटेल पार्टी जब रहेगा ना तो वहाँ पर आपको दिखता होगा। विस्की और शॉट ग्लास, विस्की और शॉट ग्लास कौन सा है जिसमें विस्की विदाउट आइस सर्विस किया जाता है, तो उसको विस्की और शॉट ग्लास बोलते हैं। पॉट वाइन ग्लासेस दोस्तों, अभी पॉट वाइन ग्लासेस क्या होता है, ये सर्विस के लिए, पॉट वाइन के सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका कैपेसिटी 7 CL रहता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अभी लास्ट 3 बचे दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें रेड वाइन ग्लास रहता है इसका सभी को पता है, इट हैज़ गॉट द कैपेसिटी ऑफ 22 CL। इसका 22 CL का कैपेसिटी है जिसमें रेड वाइन सर्व किया जाता है। ओनली हाफ द ग्लास रेड वाइन, हाफ द ग्लास सर्व किया जाता है दोस्तों। ट्यूलिप शेप ग्लास होल्ड द एरोमा, इसका ना ट्यूलिप शेप साइज रहता है दोस्तों जो कि एरोमा को होल्ड करता है, और इसी के लिए ना दोस्तों हाफ ग्लास वाइन सर्विस किया जाता है। अब व्हाइट वाइन आपको सबको पता है, इसमें भी ना दोस्तों व्हाइट वाइन ग्लास रहते हैं। यूज फॉर सर्विस ऑफ व्हाइट वाइन इस हैड अ कैपेसिटी ऑफ 70 CL, इसका 70 CL के इतना कैपेसिटी रहता है। 19th आ गया दोस्तों डिकेंटर, डिकेंटर भी आप सबको पता होगा, नहीं तो दिस यूज़ टू कैरी मिक्सेस और कैन बी यूज एज अ वाइन कैरेफे। इसका ना दोस्तों इस ग्लास का यूज़ किया जाता है मिक्सेस कैरी करने के लिए या फिर ना वाइन कैरेफे के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। 20th आ गया दोस्तों मार्टिनी जग और मिक्सर, आप सबको पता है मार्टिनी ग्लास कौन सा होता है, जग कौन सा होता है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। इट कैन कम इन वेराइटी ऑफ शेप्स एंड इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग ड्रिंक्स। इसका ध्यान मतलब इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों ड्रिंक को मिक्स करने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों ये कुछ इमेजेस है, तो यहाँ से आप समझ सकते कौन कौन से ग्लास है। मैंने इसको ओपन कर दिया दोस्तों, तो यहाँ से आप समझ सकते कौन कौन से ग्लासेस हैं। एक हो गया हाफ पेन टम्बलर हो गया दोस्तों, लेजर ग्लास हो गया, स्टेट बियर ग्लास हो गया, टैंकैड हो गया, हाईबॉल ग्लासेस हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, शैंपेन फ्लूट हो गया, शैंपेन फ्लूट भी बोलते हैं दोस्तों, शैंपेन ग्लास भी बोलते हैं, वाइट वाइन ग्लास हो गया, क्लब हो गया, पेरिस गॉबलेट हो गया दोस्तों, शैंपेन ट्यूलिप हो गया, रेड वाइन ग्लास हो गया, शैंपेन सॉसर हो गया, हॉस मोसेल हो गया दोस्तों, कॉकटेल ग्लास और वर्थिंगटन हो गया, लिंगटन हो गया दोस्तों, कोलाडा हो गया, पीना कोलाडा जिसके लिए यूज़ किया जाता है, थसल पोर्ट्स, एल्गिन ग्लास, कॉपिटा और ब्रांडी बलून स्नीफर दोस्तों। तो ये कुछ ग्लासेस हो गए, तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ध्यान तो दोस्तों रुकावट के लिए सॉरी बोलूँगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहूँ दोस्तों मोटिवेट होकर। अगर अगर मैं अभी अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ दोस्तों, तो उसका मेरा एक ही रीज़न है कि मेरा नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने वाला, तो मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और मैं आपके लिए डेली एक ना एक वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय।